थैंक यू कह रहा है। मुझे भाषा आती है। कैसे? कोई तो राज्य छोड़ दो तुम, काली करतूते तुम्हारी। अरे सुनो मेरी एक बात बताओ, तुम्हारा होठ और दांत का झगड़ा हुआ है क्या? दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, ऑफ सिंक मुंह लेके घूम रहे हो तुम। क्या बुमरा नंग जय सूर्या मलिंगा, यह हमें भी आता है। काम की बात बताओ, कौन हो? अमुसा का नाना तिखाली खस्तुपा अठाई जीले है यहाँ इन हपाटी आए काम बोरा कर किता। यही तो लड़का है, देखिए कितना हैंडसम है, इसे किसी की नजर ना लग जाए। हमारा की जीत का लिट्टी वो थैंक यू कह रहा है। मुझे भाषा आती है। कैसे? कोई तो राज्य छोड़ दो तुम, काली करतूत है तुम्हारी। सुनिए रिश्ते की बात करें। क्या अभी क्या बोला? ये कह रहे हैं कि रास्ते में आते हुए बड़ी तकलीफ हुई, आज गए थे जंग लड़ने के लिए, वहाँ धूल मिट्टी थी, बड़े परेशान हुए, खाना मिला नहीं, बड़े फौजी मर गए लेकिन ज्यादा इन्होंने मारे, चोट वोट लगी लेकिन कोई बात नहीं, सैनिकों को दर्द होता है, ये इलाज खुद कर लिया, आके घर पे खाना खाया, उसके बाद थोड़ा आराम किया, अब यहाँ आके बैठे। एक मिनट, ये उनका मतलब इतना बड़ा था? अभी तो उन्होंने दो बार नहीं किया। नहीं तो बहुत लंबी बात हो जाती, बहुत लंबी। अरे सुनो मेरी एक बात बताओ, तुम्हारा होठ और दांत का झगड़ा हुआ है क्या? दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, ऑफ सिंक मुंह लेके घूम रहे हो तुम। क्या बोला? ये कौन सी खट्टी इमली खा के आया है, चटकारे मार रहा है? खाज माता ये कह रहा है कि आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। इनसे कहो ये भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बोलो सुअर। ये तुमने तो उसको सुअर बोला। यही सब अच्छा लगता है इनको, सुअर तो छाती पे रख के सोते हैं, और इनका सुअर का मतलब एलिफेंट। समोसा। समोसा समोसा क्या, इनका तो धन मन शौक जुबान सब काला है। अभी कुछ कह नहीं रहे थे, सिर्फ डांस कर रहे थे। पता है हमने देखा वो। आगे बात कैसे बढ़ाएंगे, कब शादी होगी? पोहा बना दो। तो इसमें हो करने वाली कौन सी बात है? अब क्या बोला? कहते पोहा के साथ अचार भी चाहिए। तो हो क्यों कर रही है? हो व्हाट इज हो? उस पानी यानी कितनी पहले गड़ी अपने टिक 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 को पानी के बहुत अटपटा वो इतनी सी बात हो जाएगा। अरे क्या कहा इन्होंने? कहते हैं खाज माता के साथ हनीमून मनाना चाहते हैं। हाँ इस पे करना था, पोहा और अचार पे हो कर रही हो। देखो मुझे लगता है खाज माता को इससे हैंडसम लड़का नहीं मिल पाएगा, शादी इनकी करवा दो। डन। मेरी माँ पसंद है आपको? हाँ अभी करनी है मुझे शादी। हिंदी बोलता है? कब से ये कंफ्यूज क्यों कर रहा था? तंग करता है मेरे को। माता आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पसंद है? हाँ। हम्म,
शादी पक्की। तुम श्योर हो किसी से शादी करनी है? राज्य वाले क्या कहेंगे, कैसा दूल्हा ढूंढा है? कोई बात नहीं, इसका मुंह ढक देंगे शादी वाले दिन। अरे तब तो और शक होगा कि दूल्हा का मुंह क्यों ढका हुआ है, जरूर भद्दा होगा। तो कोई बात नहीं, ये प्रथा बना देते हैं। आज हम ये ऐलान करते हैं कि युगो युगो तक जो भी शादी होगी दूल्हे का मुंह सेहरे से ढका होगा। अच्छा, हनीमून का क्या करना है? पहले शादी तो कर लो माँ, बेचैन रहती हो। शादी मंजूर है। हेलो, अब शादी हो गई है, अब माता जी वापस नहीं ली जाएंगे। फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद मत कीजिए। ये मेरा ससुराल है, भागो यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना माँ अपना। सुनो, तुम यहीं रहना, माँ के करीब कोई भी आएगा भाला घुसेड़ देना मुंह में। सुहागरात में तुम बीच में सोया करोगे, तुम वफादार हो, यहीं रहना ताकि माँ को डिस्ट्रैक्शन। यहीं रहो गोद में, चलो जाने मन, लेट्स हैव फन। आमाइस्टा।